नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा, आपका ITI फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चालू है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो आपका कल पेपर होगा दोस्तों, उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि फ्रेंड्स आपके ES के पेपर में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना आगे करते हुए एंड तक आखिर क्वेश्चन तक ज़रूर देखना, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और फटाफट से अपने सभी दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आगे चैनल पे नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर पर्सन से स्टार्ट करते हैं सीधा। फर्स्ट नंबर पर्सन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है इसमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये जो है ना, घे नंबर ऑप्शन, चार नंबर ऑप्शन, ये एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये आपका 2014 के NCVT ITI के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कमांड में से कौन सी सभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों, वह कमांड होता है निकास का कमांड। तीन नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर पर्सन है, अगर हम विंडो इन्वायरमेंट में कार्य कर रहे हैं तो स्क्रीन के बैकग्राउंड एरिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, अगर हम विंडो इन्वायरमेंट में कोई वर्क कर रहे हैं तो स्क्रीन के जो बैकग्राउंड एरिया को हम कहेंगे डेस्कटॉप। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चार नंबर पर्सन है, OS कंप्यूटर का सामान्य मतलब कितना क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो OS होता है इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दो नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज़ 98 निम्न में से किस मोड को सपोर्ट करता है? दोस्तों देखिए, विंडोज़ 98 जो होता है ये आपका 32 जो बिट होता है उस मोड को जो है वो सपोर्ट करता है, विंडोज़ 98। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन नंबर 6 है, विंडोज़ XP निम्न में से किस मोड में इंस्टॉल किया जा सकता है? दोस्तों, विंडोज़ XP जो होता है ये आपका NTES जो मोड में जो है ना, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ XP को। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, सात नंबर प्रश्न, जब एक कंप्यूटर में विंडोज़ 98 और XP इंस्टॉल होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जब एक कंप्यूटर में विंडोज़ 98 और XP इंस्टॉल होते हैं तो इसे कहेंगे हम ड्यूल बूटिंग सिस्टम। तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, विंडोज़ XP को किस फाइल का प्रयोग करके इंस्टॉल करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, विंडोज़ XP को run.exe फाइल को जो है ना यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ XP को। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आइकन विंडोज़ के डेस्कटॉप पर होता है? दोस्तों, वह आइकन जो विंडोज़ के डेस्कटॉप पर होता है उस आइकन का नाम होता है रिसाइकल बिन। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी कमांड विंडोज़ के स्टार्ट बटन मेन्यू में होती है? दोस्तों, वह कमांड जो विंडो के स्टार्ट बटन मेन्यू में होती है उस कमांड का नाम होता है रन कमांड। दो नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विधि द्वारा टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं? फ्रेंड्स, वह विधि द्वारा जब टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं उस विधि का नाम है टास्क बार पर माउस के राइट बटन मेन्यू द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, टास्क बार पर माउस के राइट बटन मेन्यू द्वारा जो है ना, हम टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, टास्क बार के दाएं कोने में घड़ी लाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को
सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों टास्क बार के दाएं कोने में घड़ी लाने के लिए निम्न में से शो द क्लॉक जो वाला विकल्प होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। तीन नंबर ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वह निम्न में से कहां पर चली जाती है। दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो दोस्तों रिसाइकल बिन में पुनः चली जाती है, जिसे हम रिस्टोर भी कर सकते हैं वहां से। एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए माउस के राइट बटन मेन्यू के किस कमांड को प्रयोग करते हैं। दोस्तों न्यू कमांड का प्रयोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यू कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। दोस्तों देखिए, विंडोज़ की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बदलने के लिए निम्न में से किस कंट्रोल पैनल के विकल्प को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है डिस्प्ले थीम के विकल्प का प्रयोग किया जाता है। दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, विंडोज़ की एसेसरीज में निम्न में से कौन सा कंपोनेंट होता है। दोस्तों विंडोज़ की एसेसरीज में सिस्टम टूल्स जो है ना वो कंपोनेंट होता है। तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, विंडोज़ की विकलांग व्यक्तियों के अनुसार कस्टमाइज करने के लिए निम्न में से किस विकल्प को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है इंटरटेनमेंट विकल्प को। तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, नेटवर्क सेटअप विजार्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों नेटवर्क सेटअप विजार्ड जो है ना ये आपका कम्युनिकेशन के जो है ना अंतर्गत आता है। तीन नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शन की सीमा करने के लिए विंडोज़ के एसेसरीज ऑप्शन में दिए हुए कम्युनिकेशन विकल्प के किस उप विकल्प को प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये करते हैं न्यू कनेक्शन विजार्ड का प्रयोग जो है ना विकल्प करते हैं सॉरी विकल्प जो है ना प्रयोग करते हैं न्यू कनेक्शन विजार्ड का। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, विंडोज़ मीडिया प्लेयर निम्न में से किस भाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है ये आपका एंटरटेनमेंट भाग के अंतर्गत आता है। तीन नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, हार्ड डिस्क में स्टोर अनावश्यक फाइलों को कंप्यूटर समय खोजकर हटा दे, इसके लिए सिस्टम टूल की किस यूटिलिटी को यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके लिए डिस्क क्लीनअप का जो है ना यूटिलिटी यूज़ किया जाता है। चार नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कमांड का प्रयोग रिसाइकल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी फाइल अगर हम कंप्यूटर में डिलीट कर देते हैं तो वो आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है। फिर रिसाइकल बिन से दोस्तों अपने रिस्टोर कमांड को अगर अपने यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स उस फाइल को हम वापस ला सकते हैं। दो नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या होता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रमुख कार्य होता है वो फाइल प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये तीनों ही जो कार्य है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य होते हैं। इसलिए चार नंबर ऑप्शन ये सभी ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में एप्लीकेशन कौन सी शामिल होती है। फ्रेंड्स ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में जो एप्लीकेशन शामिल होती है उस एप्लीकेशन का नाम है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। ये तीनों ही जो है ना ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में एप्लीकेशन शामिल होती है। इसलिए डी नंबर ऑप्शन ऑल ऑफ दिस ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है। फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है। तीन नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, विंडोज एक्सप्लोरर में हम, देखिए फ्रेंड्स विंडोज एक्सप्लोरर में हम फाइल एंड फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, फाइलों को खोल सकते हैं, फाइल व फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, ये तीनों ही जो वर्क है ना हम विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर कर सकते हैं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, विंडो एक्सपी एम लिनक्स किसके उदाहरण हैं। फ्रेंड्स विंडो एक्सपी एम लिनक्स जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, GUI में प्रोग्राम की मुख्य विंडो क्या कहलाती है। दोस्तों GUI में प्रोग्राम की जो मुख्य विंडो है ये एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, विंडो एक्सपी का गेटवे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स विंडो एक्सपी का जो गेटवे है ये डेस्कटॉप को कहा जाता है। वन नंबर ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर प्रश्न है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहा जाता है। दोस्तों विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को विंडो एक्सप्लोरर कहा जाता है। तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो एडिट का मेन्यू होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है। चार नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, वर्ड दस्तावेजों के नाम से जोड़ा जाने वाला विस्तार भाग कौन सा होता है। फ्रेंड्स वर्ड दस्तावेजों के नाम से जोड़ा जाने वाला जो विस्तार भाग होगा वो आपका होगा डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, मेन्यू बार में उपस्थित अवयव क्या होते हैं। देखिए दोस्तों मेन्यू बार में उपस्थित जो अवयव हैं ये एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू, हेल्प मेन्यू, ये तीनों ही जो है ना वो उपस्थित अवयव हैं मेन्यू बार में, इसलिए डी नंबर ऑप्शन ऑल ऑफ दिस ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर प्रश्न है, विंडो के लिए न्यूनतम कितने मेगाबाइट रैम की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स विंडो के लिए न्यूनतम जो है ना 16 मेगाबाइट रैम की आवश्यकता होती है। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे उपस्थित बार को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स डेस्कटॉप पर सबसे नीचे उपस्थित बार को टास्क बार कहा जाता है। चार नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये हैं एमएस डॉस के। जी हाँ, नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, बाकी विंडोज 95, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, ये तीनों ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स जिनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI होता है, एमएस डॉस में नहीं होता है। चार नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन नहीं है। फ्रेंड्स देखिए एप्लीकेशनों को चलाना, यूजर इंटरफेस का उपलब्ध कराना, संसाधनों का संचालन, ये तीनों ही जो है ना फ्रेंड्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन नहीं है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन, घ नंबर ऑप्शन ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 40 कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि आपके कल ईएस के पेपर में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के बीच में जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सको। और फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ईएस एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।